लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आ रही हैं वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर से, जहां पर पुलिस और स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बड़ी फीसों को लेकर, जो इजाफा हुआ है फीसों में उसको लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, सभी पार्टियां मिलकर एक प्रोटेस्ट कर रही हैं, उसी की तस्वीरें आप देख रही हैं। और यहां पर पुलिस के साथ उनकी कुछ बहस चल रही है कि मामले को किसी न किसी तरह ठीक किया जाए, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या होता है कि पुलिस ने लाठीचार्ज करना स्टूडेंट्स के ऊपर शुरू कर दिया और स्टूडेंट्स के ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। स्टूडेंट को वीसी ऑफिस से दौड़ा दिया गया लाठीचार्ज करके उनके ऊपर, और कुछ स्टूडेंट्स ने पुलिस वालों के ऊपर गमले भी यहाँ पर फेंके हैं और जो वहाँ पर पत्थर पड़े थे वो भी फेंके गए हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मसला एक गंभीर मसला बनता जा रहा है। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी में इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं और कहीं ना कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पीसफुल शांत में जहाँ कह सकते हैं जो माहौल है वो ख़राब भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत ही बुरी और मंदभागी घटना सोचने का विषय है।